हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शगुफ्ता से वाबस्ता। तो न्यू होम टूर का जो पार्ट टू था उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे बाकी के डेली टॉप के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज दिन की शुरुआत इसी से हुई है। तो ये क्यूट सी गाय यहीं पे घूमती रहती है खाला के घर के बाहर, तो वो सबसे पहले उठते ही कुछ ना कुछ इसको ज़रूर देते हैं, तो ये रोज़ यहाँ पे आती है। उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया बहुत ही अच्छा सा। ये क्या है? क्या है? सैंडविच। तो आज का होम टूर पार्ट टू हम शुरू करते हैं नेम प्लेट से। ये बहुत ही शानदार सी नेम प्लेट है। तो ये है बेडरूम, इसको हमने कल पूरी तरह से रिकॉर्ड नहीं किया था, तो ये पूरा लुक है बेडरूम का। और आप देख सकते हैं किस तरह से फर्नीचर को चूज़ किया गया है। तो आप भी किस तरह से अपने घर में कभी भी सेटअप करें तो किस तरह से वार्डरोब और फर्नीचर, बाकी बेड और ड्रेसिंग टेबल को आप सेट कर सकते हैं इस तरह से। कलर कॉम्बिनेशन का बहुत बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। और ये सीलिंग है, तो ये बेडरूम की सीलिंग अलग है और बाकी जो बच्चों का रूम है उसकी सीलिंग भी अलग है, हम आपको दिखाते हैं। और क्योंकि फर्नीचर इस तरह का है तो क्लॉक को भी इस तरह से चूज़ किया गया है, मतलब कि इस तरह का कलर चूज़ किया गया है जो कि उस अच्छे से सेट हो सके। और बाकी ये है बेडरूम वाला कर्टन, तो इसका कलर भी फुली मैच कर रहा है बाकी के फर्नीचर के साथ। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। ये है बच्चों वाला रूम, किड्स रूम। तो इसमें दोनों कलर को अरेंज किया गया है, एक है पिंक और दूसरा है ब्लू वाला। तो इसके कर्टेन भी इस वॉल के अकॉर्डिंग ही सेट किए गए हैं और इसकी सीलिंग दोनों कलर को रिप्रेजेंट करती है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की सीलिंग करना तो ये बहुत ही अच्छी लगेगी, दोनों कलर को रिप्रेजेंट करती है ये। ये देखिए, ये इसका कर्टेन भी इससे मैच कर रहा है। तो आप भी इसी तरह से अपने घर को सेट कर सकते हैं, नए घर को और रूम को सेट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही पसंद आएगा ये वाला व्लॉग। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है।